नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर वाटर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर में एयर। अब हम सभी जानते हैं कि वाटर एंड एयर हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। अब मुझे ये बताइए कि जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिंपली रिवर्स, वाटरफॉल्स, या फिर रेनड्रॉप्स, या फिर टैप्स, ये सब कुछ ही आता होगा दिमाग में। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि सड़क या रास्तों पर क्या होता है कि जो गड्ढे होते हैं वहां पे पोल्स बन चुके होते हैं, राइट? मतलब बारिश के पानी से वो भर चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही धूप लगती है तो धीरे धीरे वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये पानी जाता कहाँ पे है? इसका जवाब है सन की हीट, या यूं कहें सोलर रेस, सन रेस, या फिर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, या फिर सन रेज की वजह से क्या होता है कि जो वो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वाटर वेपर बाद में जब ठंडे हो जाते हैं तो वो कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो वो सड़कों पे या फिर खड्डों में जो पानी भरा होता है वो कहाँ गायब होकर जाता है, सन रेज की वजह से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वही वाटर वेपर ठंडे होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। तो मीन्स जो पानी सरफेस पर गिरा हुआ था अब वो क्लाउड्स बन चुके हैं, और वही पानी बाद में प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। अब प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, रेनफॉल की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में, या फिर स्लेट की फॉर्म में। तो ये कहाँ होती है, लैंड या सी पर। अब पानी क्या होता है, कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है और सर्कुलेट करता है ओशियंस में, एटमोस्फेयर में और लैंड में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वॉटर साइकिल। मीन्स कि पानी अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करता रह रहा है और सर्कुलेट हो रहा है ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में और फिर लैंड में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर कंटीन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या है, इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लोब और अ जार जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि छोटा सा गार्डन उस जार के अंदर या फिर उस ट्रांसपेरेंट ग्लोब के अंदर। तो हमारी अर्थ भी ऑलमोस्ट वैसी है जहां पर एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स ग्रो करते हैं, राइट? अब सेम पानी जो सदियों पहले एग्जिस्ट करता था अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पानी हरियाणा की फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो शायद सैकड़ों सालों पहले अमेजन रिवर में फ्लो करता हो सकता है। अब जो फ्रेश वाटर है उसके मेन सोर्सेस क्या है, कहाँ से फ्रेश वाटर हमें मिलता है अर्थ पर? तो उसका आंसर है रिवर्स पे, पॉन्ड्स से, स्प्रिंग से, या फिर ग्लेशियर से। तो ये मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के। इसके अलावा द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सोल्टी वाटर। अब ओशन बॉडीज और सी जो है वो कंटेन करते हैं सोल्टी वाटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे अमाउंट पे सोल्ट डिजोल्व रहता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज अ सोल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्ट, राइट? अब सबसे ज्यादा जो सोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, और यही सोल्ट सबसे ज्यादा सीज या फिर ओशंस में डिजोल्व भी होता है। इसके अलावा इस सोल्ट का इस्तेमाल हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो सोल्ट है सोडियम क्लोराइड के बाद वो है MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक फॉर्मूला है NaCl, राइट? अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, कि अर्थ का 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी कुछ कंट्रीज या कुछ प्लेसेस वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? तो सवाल ये उठता है कि जो अर्थ पर जितना भी पानी है क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है? अब इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि अर्थ पर कितना पानी ह्यूमंस के यूज के लिए अवेलेबल है, राइट? अब ओशंस में जो वाटर है वो है अर्थ का 97.3% जो कि सेलाइन है, मतलब हमारे यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा 2.7% जो वाटर है वो है फ्रेश वाटर। अब उसमें भी पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, कुछ आइस कैप्स में है 0.02%, ग्राउंड वाटर है 0.68%, हैंडपम्प के थ्रू हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं लेकिन लिमिट, एक लिमिट तक ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक से भी बहुत सारी रिवर्स के रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं जहां से रिवर्स निकलती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल भी ह्यूमंस कर पाते हैं जो कि 0.009% तक है। उसके बाद आता है इनलैंड सीज एंड सोल्ट लेक, 0.009%। एटमोस्फेयर में कितना पानी है, दैट इज 0.0019%, जो कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें रिसीव होता है, जो रेनफॉल होती है उसके थ्रू।
उसके बाद रिवर्स में जो पानी है 0.001%, जिसके थ्रू हमें पानी मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 2.7% फ्रेश वाटर है जो ह्यूमंस अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वाटर जो है 97.3% वो ओशंस में है, ह्यूमंस या फिर यूं कहें कि वो पीने लायक पानी नहीं है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना कम है और कितनी जरूरत है हमें उसके उसे सेव करने की। तो जो ये रिवर्स हम पॉल्यूट कर रहे हैं तो उन्हें साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इतना भी पानी साफ ना मिले, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम से जूझ सकती है, जो कि अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारी कंट्रीज या इंडिया की बात करें तो कुछ स्टेट्स इस सिचुएशन से गुजर रही है। अब बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। अब ये पैराग्राफ पढ़ने पर एक पॉइंट जैसा लगता है, राइट? द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सोल्ट, द स्मेल ऑफ द सोल्टाइन्स, द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, है ना, कि हमारा ध्यान आकर्षित कर देने वाली चीजें होती है कि जो सैंड है बीचेस पे, जो ये ठंडी हवाएं चल रही होती है समुद्र के किनारे, या जो सी बर्ड्स होते हैं, द स्मेल ऑफ द सोल्टाइन्स, द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, है ना, ये सब हमें आकर्षित कर देने वाली चीजें हैं। अब पॉन्ड्स और लेक्स का वाटर जो है वो काम है, स्टिल है, लेकिन इसके ठीक उल्टा जो ओशंस का वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और ये कभी भी स्टिल नहीं होता है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। तो जो ये मूवमेंट होती है ओशंस में पानी की, उन्हें मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है वेव्स। तो वेव्स क्या है कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल्स, कि ओशन है, ओशन के सरफेस पर वाटर राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वेव्स, राइट? बढ़ते आगे। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, दीज मे कॉज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि एक स्टॉर्म के दौरान विंड्स बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत ज्यादा स्पीड से ब्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो होता है कि ह्यूज वेव्स या सीज के किनारे, ये सीज में या ओशंस में ह्यूज वेव्स क्रिएट होती है जो आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट होता है, जिस वजह से टाइडल वेव, जिन्हें सुनामी कहते हैं, वो क्रिएट होती है। अब तीन रीजन है मेन सुनामी के क्रिएट होने के लिए, वो है एक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, इसकी वजह से जो है सुनामी क्रिएट होती है, और सुनामी की हाइट काफी ज्यादा हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। तो अब तक की जो मेजर की जाने वाली सबसे हाईएस्ट सुनामी है वो है 150 मीटर, एंड दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 700 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं। अब सुनामी जो कि 2004 में अकर हुई थी, उसके बारे में सभी जानते हैं कि जिसने इंडियन कोस्टल प्लेस और आसपास की कंट्रीज में कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी वजह से जो इंडिया का इंदिरा पॉइंट था, जो कि अंडमान और निकोबार में है, वो सबमर्ज हो गया था। अब डिस्कस करते हैं दिसंबर 2004 की सुनामी के बारे में, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक सुनामी मानी जाती है। द सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004। तो ये कब क्रिएट हुई थी, कब आई थी ये सुनामी, सदी की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक सुनामी जिसे माना जाता है, वो कब हुई थी, वो थी 26 दिसंबर 2004। तो ये जो वेव क्रिएट हुई थी वो क्रिएट हुई थी अर्थक्वेक की वजह से। तो जो इसका एपी सेंटर था वो कहाँ पे था, सुमात्रा। तो ये मैप में आप देख पा रहे हैं कि सुमात्रा कहाँ पर है, तो ये जो था इसका एपी सेंटर था। तो एपी सेंटर क्या है कि इस एरिया पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और यहां से अर्थक्वेक क्रिएट हुआ था, और जो मैग्नीट्यूड था अर्थ का वो था 9.0 ऑन रिएक्टर स्केल, मतलब मैक्सिमम 9.0। इस स्केल पर जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तहस नहस होती है, तबाही होती है, जान और माल का काफी नुकसान होता है। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, तो जो बर्मा प्लेट थी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कि अर्थ जो है इन प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के अंदर धस गई थी। उस वजह से वहां पर क्या हुआ कि सडन मूवमेंट हुई सी फ्लोर में, जिसकी वजह से अर्थ को एक क्रिएट हुआ। अर्थ को एक क्रिएट होने की वजह क्या थी कि इंडियन प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के अंडर धस गई थी, जिसकी वजह से वहां पे सी फ्लोर में सडन मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट हुआ। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 टू
20 मीटर, तो जो ओशन फ्लोर था वो 10 से 20 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हो गया था और वो नीचे की तरफ टिल्ट हो गया था। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एरिया क्रिएट हुआ था, तो वहां पे पानी या फिर ओशन वाटर बहुत बड़े अमाउंट में वहां पर एंटर करा उस गैप को फिल करने के लिए। उस वजह से क्या हुआ कि जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में उस एरिया को फिल करने के लिए कोस्ट लाइन से वो वाटर विड्रॉल हुआ, और जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई तो उसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में जो वाटर था कोस्ट लाइन की तरफ वापस आया। और जो सुनामी थी वो उसकी वेव्स जो थी वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। अगर उसको एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के से कंपेयर करें तो उसके बराबर उसकी स्पीड थी। और जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वो सबमर्ज हो गया, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो उसमें उस सुनामी में सबमर्ज हो गया था। ये वेव्स कहाँ से मूव की थी? सुमात्रा से। सुमात्रा जो था इसका एपी सेंटर था, तो अंडमान आइलैंड और श्रीलंका की तरफ ये मूव हुई थी। और जैसे जैसे वो उस तरफ मूव हुई तो स्पीड जो थी 700 to 900 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर तक डिक्रीज हो गई। और जो सुनामी वेव्स थी उनकी डेप्थ थी वो लगभग 3 किलोमीटर तक थी। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन द लैक्स ऑफ हाउसेस। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और लाखों घर को नुकसान हुआ था, तहस नहस हो गए थे। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पोंडुचेरी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया जो अफेक्ट हुए थे वो थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, बट इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। लेकिन 3 घंटे पहले अगर सुनामी आने वाली है तो हम ये बता सकते हैं कि सुनामी आने वाली है। अब इस तरह के वार्निंग सिस्टम जो है वो पैसिफिक ओशन में प्लेस किए गए हैं, बट इंडियन ओशन में नहीं है। और जो ये सुनामीज हैं वो इंडियन ओशन में बहुत रेयर हैं एज कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन, क्योंकि वहां पे सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है पैसिफिक ओशन में, बट इंडियन ओशन में सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो बहुत कम रहती है। तो ये जो इतना सारा डैमेज हुआ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो इसको कम किया जा सकता था, लेकिन लैक ऑफ मॉनिटरिंग, द अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था हमारे पास, एंड द नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशंस, नॉलेज की कमी थी इंडियन जो ड्वेलर्स थे उनके बीच में। तो ये सब रीजन थे कि जिनकी वजह से जो 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई, जिसकी वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन, जान मान की इतनी हानि हुई। ऑलराइट, अगर ये सब हमारे पास होता उस दौरान तो शायद जितनी तबाही उस दौरान हुई तो नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसा हो रहा था कोस्ट पर तो लोगों को वहां से दूर जाना चाहिए था, किसी हाई ग्राउंड पर, उस लेवल से किसी हाई ग्राउंड पर जाना चाहिए था, लेकिन लोग उस चमत्कार को देखने के लिए, हाई वेव्स को देखने के लिए जो थे वो कोस्ट के किनारे जो थे इकट्ठा हो गए, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब बात करते हैं टाइड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर कभी, अगर आप कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं और या फिर किसी रिवर्स के आसपास भी रहते हैं, जब फ्लड जैसी सिचुएशन आती है या फिर सुनामी जैसी सिचुएशन आती है, तो उसके नजदीक ना जाएं बल्कि एक हाई एल्टीट्यूड पर जाएं, ताकि कम से कम आपकी जान तो बच सके। अब आता है टाइड्स। टाइड्स क्या है? द अरिथमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ठीक है, जब वाटर में राइज एंड या फिर ओशंस में, ओशन वाटर में राइज एंड फॉल होता है दिन में दो बार, तो उसे क्या कहते हैं? टाइड्स। ठीक है, जब ऊपर उठते हैं हाई टाइड्स और जब नीचे बैठते हैं लो टाइड्स। अब ये टाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेस द टाइड्स। ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है सन और मून अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जो है टाइड्स क्रिएट होते हैं। द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड्स। जब अर्थ जो है मून के नजदीक रहती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है वो ज्यादा रहता है, ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो अर्थ को उस दौरान, जिसकी वजह से हाई टाइड रहते हैं। तो हाई टाइड कब क्रिएट होते हैं? जब अर्थ की जो पोजिशन है वो नजदीक रहती है मून के। उसके अलावा ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। फुल मून और न्यू मून के दौरान क्या रहता है कि सन, मून और अर्थ सेम लाइन में रहते हैं एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। और इस सिचुएशन में क्या होता है? टाइड्स जो है हाईएस्ट पोजीशन पे रहते हैं, और इन टाइड्स को क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या रहते हैं? जब फुल मून और न्यू मून के दौरान जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में रहते हैं तो टाइड्स हाईएस्ट पोजीशन पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। मगर जब मून
इसके फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होते हैं? लो टाइड्स। तो दीज टाइड्स आर कोल्ड नीप टाइड्स, तो इन्हें नीप टाइड्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नीप टाइड्स क्या होते हैं या स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? अब जो हाई टाइड्स हैं वो नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। दे रेज द वॉटर लेवल क्लोज टू द शोर, जो शोर के नजदीक होते हैं उनका वाटर लेवल भी इंक्रीज करते हैं। जो ये शिप्स रहती हैं उनको हेल्प करता है शोर तक पहुंचने में इजीली। और जो ये हाई टाइड्स रहते हैं वो फिशिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं, बहुत सारी फिशेस, क्योंकि बहुत सारी फिशेस जो है वो हाई टाइड्स के दौरान शोर्स पर आ जाती है। और जो ये राइज एंड फॉल होता है वाटर का टाइड्स की वजह से, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ हाई टाइड्स की, कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, फिशिंग के लिए काफी हेल्पफुल है, शिप्स को पोर्ट्स पर पहुंचने के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट? और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई टाइड्स की। इसके बाद आता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या चीज है? कि ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इज इन डेफिनेट डायरेक्शन। ये स्ट्रीम्स हैं, वाटर बॉडीज ही हैं जो फ्लो कर रही हैं ओशन के सरफेस पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेरुवियन करंट, ब्राजीलियन करंट, मोजाम्बिक करंट। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये रही पेरुवियन करंट, ये ब्राजीलियन करंट, ये बेगुला करंट एंड मोजाम्बिक करंट। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है ना? कोरोशियो। तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट के या फिर लैंड के वेस्ट की तरफ है वो कोल्ड करंट्स हैं, जो ब्लू लाइन में है वो कोल्ड करंट में है, और जो ये रेड लाइन में है वो है वार्म करंट्स हैं। तो जो भी लैंड के वेस्ट की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पेरुवियन करंट या फिर आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया करंट, तो ये क्या है? कोल्ड करंट। तो जितने भी करंट्स लैंड के वेस्ट की तरफ है वो सारी की सारी कोल्ड करंट है। इसके अलावा जो करंट्स लैंड के ईस्ट की तरफ है, इस तरफ है, वो है लाइक ब्राजीलियन, मोजाम्बिक, अगुलहास, तो ये सारी क्या है? वार्म करंट्स हैं। ईस्ट की तरफ सारी वार्म करंट्स हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी करंट वार्म है या कौन सी कोल्ड है, तो इस डायग्राम की हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है, कौन सी किस एरिया के नजदीक है। अब ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, जो ओशन करंट है वार्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में फ्लो कर रही है। अगर इक्वेटर के आसपास होंगी तो वो वार्म होंगी, और अगर पोलर एरिया के आसपास होंगी तो वो ठंडी होंगी। इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती जाएंगी तो इनका टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। अब है लेबराडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। और जो ये ओशन करंट है वो इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को, किसी एरिया के टेम्परेचर को। ओशन करंट किसी एरिया के टेम्परेचर को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अब किसी एरिया में सपोज कोल्ड करंट मूव कर रही है तो वहां का जो टेम्परेचर वो लो हो जाएगा। अगर किसी एरिया में हाई टेम्परेचर वाली करंट या वार्म करंट मूव कर रही है तो वहां का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। सो वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो एरिया जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिलती हैं, वो सबसे ज्यादा सुटेबल है फिशिंग के लिए, लाइक सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो एरिया वार्म और कोल्ड करंट एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर जहां पे कोल्ड और वार्म एयर करंट मीट करती हैं, वहां का जो वेदर रहता है वो फोगी रहता है, जो कि नेविगेशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है। अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। द सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वॉटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। तो ये सैलिनिटी की डेफिनेशन है कि सेलिनिटी क्या होती है एक्चुअली में, और कितना परसेंट ओशंस में पार्ट रहता है सेलिनिटी का। तो सेलिनिटी क्या है? अमाउंट है सोल्ट का ग्राम्स में। सेलिनिटी क्या है? अमाउंट है सोल्ट का ग्राम्स में, जो कि प्रेजेंट होती है ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम सेलिनिटी है, तो उस तरह से मेजर करते हैं कि सेलिनिटी क्या होगी। इसके अलावा जो डेड सी है इसराइल में, तो उसकी सेलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब 1000 ग्राम वाटर में या फिर 1 लीटर वाटर में जो सेलिनिटी है वो है 340 ग्राम्स। और जो स्विमर्स रहते हैं वो इजिली इन ओशन बॉडीज में, यहाँ और यहाँ यहाँ पे जहां पे सेलिनिटी ज्यादा रहती है वहां पे फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साल्ट का कंटेंट जो इतना ज्यादा होता है जो पानी को बहुत ज्यादा डेंस बना देता है, और जितना ज्यादा डेंस रहेगा वहां पे फ्लोट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और मार्स 22
मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये सुनामी है वो जैपनीज वर्ड से ली गई है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। और वेव्स कब क्रिएट होती है? जब विंड्स ओशन के सरफेस को टच करती हुई वहां से निकलती हैं, तो क्या होती है? वेव्स क्रिएट होती हैं। तो ऑब्वियसली विंड्स हैं या फिर विंड्स हैं जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं। और स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितनी तेजी से विंड ब्लो करेगी उतनी ही जो वेव रहेगी वो बड़ी रहेगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।